देखिए पहली चीज़ तो ये कि मैं बनारस से हूँ, ठीक है। जो नॉर्थ इंडियन लोग होते हैं उनको खाने पीने में बड़ा मज़ा आता है, वो कहीं भी जाते हैं तो उनको सबसे पहले खाना, अच्छा खाना खाना पसंद है। आप भी देखिए और आप जो हंस रही है ना, और ये भी जो हंस रहे हैं जो हमारे कैमरामैन है, वो मुझे भी पता चल रहा है कि सब यहाँ पर नॉर्थ इंडियन ही है। तो या वी लव टू ईट गुड रिच फूड। और द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू आर इन बॉम्बे देन यू टेंड टू ईट ऑल दोज फूड विच इज़ वेरी यू नो जंक एंड सब जगह एक ही तरीके के टेस्ट हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव हो जहाँ पर यू नो ऐसे दिल्ली हाईवे जैसे रेस्टोरेंट हों जहाँ पर हमें वहाँ का नॉर्थ इंडियन जायका मिल सके। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आ गई, मैंने कहा नहीं आज तो जाना ही है और पानीपुरी खाना ही है एंड छोले कुलचे भी खाना है क्योंकि दिल्ली ज़्यादातर जाना नहीं हो पाता है। तो बस नॉर्थ इंडियन हूँ इसलिए नॉर्थ इंडियन कुजीन को बहुत प्यार करती हूँ एंड आई एम सो 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 ग्लैड एंड रियली लुक फॉरवर्ड कि आज पानीपुरी कॉम्पिटिशन में मैं जीत जाऊँ। अभी मैं परसों ही कैलकटा गई थी जहाँ पर मुझे यूथ आइकन अवार्ड दिया गया 2018 का। तो उनके जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बहुत ही स्वीट थे, उन लोगों ने मेरे लिए मिष्टी दोई और रसगुल्ले मंगाए थे और काफ़ी सारे, मतलब मैं लेकर आई हूँ और तब से 3-4 दिन से मिष्टी दोई और रसगुल्ले खा रही हूँ और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन आई थिंक आई एम इन लव विथ मिष्टी दोई एंड रसगुल्ला ऑफ कोलकाता। तो आई थिंक दैट आई रियली लाइक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई एम अ फूडी, तो जहाँ भी कोई ऑथेंटिक अच्छी चीज़ दिखती है आई जस्ट स्टिक ऑन इट। तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए एंड मोर ऑफन आई कम हियर। अच्छा मैं बनाने में मुझे टाइम नहीं होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लेकिन हाँ जब भी मेरा दिल बहुत खुश होता है, मेरे माँ बाप मेरी बहुत यू नो रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा आज हमें खुश कर दो, आज हमारे लिए कुछ बना दो, तो मैं राजमा चावल बनाती हूँ और मैं राजमा चावल सच में बहुत अच्छा बनाती हूँ। अपने मुँह से ही तारीफ करनी पड़ रही है बट हाँ, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बनाऊँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ तो अच्छा बनाती हूँ। नहीं नहीं मुझे राजमा चावल बनाने आता है, दाल चावल सब्जी बनाने आता है और मीठे में तो कुछ भी बनाने नहीं आता है। तो आज मैं जो बॉम्बे में हूँ, आज जो आपके सामने खड़ी हूँ, आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ, लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो पापा की वजह से ही है। मेरे माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक ब्राह्मण परिवार से, बनारस के ऐसे लोग जहाँ पर लोग बहुत कुछ बोलते थे कि एक एक्ट्रेस ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन मेरे पापा ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दी। जो मैंने सपने देखे थे अपने लिए उन सपनों को मुझे पूरा करने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरी दुनिया से मेरे लिए लड़े और आज वही दुनिया वाले बोलते हैं कि मुझे आपकी बेटी से प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए, तो मेरे पापा कहते हैं नहीं उसको काम करने दो, वो जो कर रही है हमें बहुत खुशी है। और पापा आई लव यू एंड माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा होता है जहाँ पर आप फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते और बस यही कहूँगी कि पूरी ज़िंदगी आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी और बहुत मेहनत से पूरे लगन के साथ जैसे आज तक काम करती आई हूँ वैसे ही काम करूँगी और हमेशा आपको मुझ पर फ़ख्र होगा।